हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो एक और स्मॉल वीडियो के साथ और एक और यूजफुल कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम लोग इस वीडियो में क्लिपबोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो जो भी डेटा हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो हमारे क्लिपबोर्ड पे जाके सेव होता है। मतलब जब भी मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज़ करता हूँ तो वो हमारे क्लिपबोर्ड का यूज़ कर रहा होता है। तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर हमारे पास ये फीचर होता है कि अगर मैं इस वीडियो पर जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास कॉपी लिंक वाला ऑप्शन है, तो अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड लिखा आ रहा है। तो हमारा लिंक जो है वो कॉपी हो जाता है क्लिपबोर्ड के अंदर। तो अगर यही सेम फंक्शनैलिटी मुझे अपनी ऐप के अंदर भी इंप्लीमेंट करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आपके पास कूपन कोड्स होते हैं या आपके पास वीडियो के लिंक्स होते हैं या आपके पास अमेज़ॉन के वाउचर्स हैं, तो उसके लिए आपके पास एक गिफ्ट कोड है तो वो कॉपी करना है आपको। अब अगर मुझे अपनी ऐप के अंदर भी यही फंक्शनैलिटी चाहिए कि मैं क्लिपबोर्ड से कॉपी कर पाऊँ और क्लिपबोर्ड के थ्रू पेस्ट कर पाऊँ, तो देखते हैं वो फीचर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये मैंने एक सिंपल सा यूआई बनाया। सपोज़ मुझे इस कोड को शेयर करना है, ये हमारा रेफरल कोड है, इसको मुझे शेयर करना है। तो देखते हैं इसके लिए हम लोग क्लिपबोर्ड वाली फंक्शनैलिटी कैसे यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एक सिंपल टेक्स्ट व्यू है, जैसे मैं इस पर टैप करूँगा तो ये हमारा कोड कॉपी हो जाएगा। तो ये मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट की मदद से एक सिंपल सा यूआई डिफाइन किया। ये हमारा इमेज व्यू है और दो टेक्स्ट व्यू हैं। ये भी हमारा एक टेक्स्ट व्यू ही है जिसको मैंने स्टाइल कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉबल्स हैं, तो अगर मैं इस ड्रॉबल पर जाता हूँ तो ये हमारे पास एक कूपन डॉट एक्सएमएल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास यूआई आ रहा है इसका। तो वही मैंने यहाँ पर सेट करी है और इस तरीके से हमारे पास इसका यूआई आ रहा है। सिमिलरली एक हमारे पास बटन है, तो देखेंगे इस बटन का भी क्या यूज़ है। तो मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखते हैं। तो सिंपल कोड लिखेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट कूपन कोड पे अगर कोई क्लिक करता है तो यहाँ पे मैं सेट ऑन क्लिक लिसनर का यूज़ करूँगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इसके अंदर डेटा होगा, मतलब इस लेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, उसको मुझे अपने क्लिपबोर्ड में सेव करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक सर्विस होती है एंड्रॉइड में, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट इनिट वैर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लिपबोर्ड मैनेजर, और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ क्लिपबोर्ड मैनेजर इक्वल टू। तो ये हमारी एक एंड्रॉइड की सिस्टम सर्विस है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे गेट सिस्टम सर्विस। और यहाँ पे मुझे सर्विस का नाम पास करना है, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा क्लिपबोर्ड सर्विस एज क्लिपबोर्ड मैनेजर। तो इस तरीके से हमारे को क्लिपबोर्ड मैनेजर का एक्सेस मिलेगा। तो एंड्रॉइड के अंदर ही हमारे पास सिस्टम सर्विस है जिसका हम लोग यूज़ करके अपने क्लिपबोर्ड को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिपबोर्ड मैनेजर का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है सेट प्राइमरी क्लिप। अब यहाँ पे हमें क्लिप डेटा का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे न्यू प्लेन टेक्स्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा सिंपल टेक्स्ट डेटा है। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम लेबल पास कर देता हूँ। तो जो भी डेटा मुझे अपने क्लिपबोर्ड में सेव कराना होगा वो हमारा सेकंड पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट व्यू का यूज़ करूँगा, टेक्स्ट कूपन कोड डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्लिपबोर्ड के अंदर डेटा सेव करेंगे। और यहाँ पे मैं एक टोस भी जनरेट कर देता हूँ कि हमारा डेटा सेव हो चुका है। तो क्लिपबोर्ड पे कॉपी करने के लिए हमारे पास ये वाला कोड है। अब सपोज़ मुझे इसको गेट भी करना है कि हमारे क्लिपबोर्ड पे सबसे टॉप आइटम जो है उसको मुझे गेट करना है, तो देखते हैं उसके लिए क्या कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बटन डिफाइन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं शो कोड वाला बटन है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके क्लिपबोर्ड को एक्सेस करेगा और जो भी उसकी टॉप आइटम होगी उसको यहाँ पर शो कर देगा। तो देखते हैं उसके लिए क्या कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ BTN शो कोड और इस पर भी क्लिक लिसनर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने क्लिपबोर्ड मैनेजर का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हमारे पास ये मेथड है प्राइमरी क्लिप, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है गेट आइटम एट, और यहाँ पे मुझे एक इंडेक्स पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स पास करता हूँ 0 और यहाँ पे मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सेस करूँगा। तो इस तरीके से मुझे अपना टेक्स्ट मिल जाएगा। अब ये हमारा नलेबल टाइप का है, तो यहाँ पे मैं सेव कॉल ऑपरेटर का यूज़ कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मुझे इसका यूज़ करना होगा। तो जो भी टेक्स्ट होगा मेरा, जो भी मेरे क्लिपबोर्ड के अंदर टॉप आइटम पड़ा होगा उसका टेक्स्ट मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ टेक्स्ट के नाम से, और इसके लिए भी यहाँ पे एक टोस्ट जनरेट कर देते हैं। तो जो भी टेक्स्ट होगा हमारा, इस तरीके से हम लोग उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो इसको रन करके देखते हैं कैसे चल रहा है हमारा कोड। तो हमारी ऐप जो है सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कूपन कोड कॉपीड लिखा आ रहा है। अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कूपन कोड जो है वो कॉपीड हो चुका है और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो दोबारा कॉपी करते हैं इसको और दोबारा शो करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा क्लिपबोर्ड काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्लिपबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो कोई भी डेटा आप सेव कर सकते हैं और कोई भी डेटा आप गेट कर सकते हैं। तो सिंपल ही कोड है बट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने डिफरेंट ऐप्स के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से कोड शेयर करते हैं लोग। तो इस तरीके से आप इन स्मॉल फीचर्स का यूज़ कर सकते हो अपनी ऐप को अच्छा बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। सीख लो वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है ऊपर चढ़ना सीख लो, हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में। आईटी 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 में आईटी 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 आईटी